हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करता हूं कि आप सब खुश होंगे। कैसे होगा दोस्तों? मैं भी एकदम खुश हूं। और अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया और दूसरा स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि वो पहले वाला ना थोड़ा लंबा हो गया था। तो अभी देखो, ये हनुमान मंदिर है, श्री राम हरि 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 हर जी टेम्पल श्री काल भैरव जी। दोस्तों देखो, ये मंदिर है, हनुमान जी का नहीं है पर हनुमान जी देखो, एक छोटे से हनुमान जी। अरे मेरी वैसे ही नजर चली गई यहाँ पे। ये ऑटोमेटिकली इसमें तार लगा देते हैं और इसमें भी घंटी स्टार्ट होने लगती है, आरती होती है। तो अभी ना वहाँ पे भी एक तोप है देखो, हो रही है। और यहाँ पे ना ये वाला है जो खुला है, इसमें तोप बनती थी दोस्तों। देखो हो रहा सुविधाएं, तोप कारखाना, देखो महल क्षेत्र सुभट निवास कारखाना युद्ध एवं शांति काल दीर्घा। देखो दोस्तों है ना, तो मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ वो वाला, देखना बाप। ये वाला तो नहीं है दोस्तों, मैं सोचा कि ये वाला है यहाँ पे तो बनती है, लेकिन ये तो ऑफिस था, पर वो तो वहाँ पे होगा। देखो दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी के वो, देखना कितने पुराने हैं और अभी तक ऐसे के ऐसे ही है। और देखो ये थोड़ा खुला, पहले तो ना था ये बीच का, ये खुला एरिया। और ये क्या है? ये है ये, और ये अभी बना दो 2020 में। ये है क्या पापा जी? क्या है? नहीं पता, पता नहीं दोस्तों क्या है। ये शायद वैसे ही होगा डिजाइन के लिए। देखो दोस्तों यहाँ पे कितने बड़े बड़े ड्रम्स हैं ना ये, और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि, देखो दोस्तों ये बजाने के लिए होया करते। देखो कुरकुरे का पैकेट डाल रखा है इसमें, कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक देखो। हाँ देख, और ये पूरा लोहे का दोस्तों। देखो दोस्तों ये पालकी है, ये पुराने, ये दोनों कूलर ही है दोस्तों। देखो पुराने टाइम के कूलर, ये हाथों से चलते थे मम्मी, मशीन से देखो दोस्तों ये तीनों ही कूलर है। देखो दोस्तों ये चल तो भी रहे हैं ये। देखो दोस्तों यहाँ पे फॉरनर्स भी आए हुए हैं, देखो टूरिस्ट। खिलवती निवास लक्ष्मी विलास। देखो अभी हम पता नहीं कहाँ जा रहे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं, मजेदार किला है। देखो ललित मंदिर लक्ष्मी विलास, पता नहीं कौन रहता यहाँ इस कमरे में, रानी के कमरे है पापा ये यहाँ पे। देखो दोस्तों रानी की पालकी, दिखे नहीं रहा। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। देखो दोस्तों रानी की पालकी नहीं मना है यहाँ पे, रानी होगा नृत्य। हाँ देखो दोस्तों वहाँ पे बैठा करते राजा, और यहाँ पे नृत्य हुआ करते। देखो दोस्तों एक ये पाल के दोस्तों, देखो देखो दोस्तों यहाँ के डस्टबिन भी पित्तल के बना रखे हैं, फुल बिल्कुल किले जैसे ही। देखो और अभी देखो दोस्तों यहाँ पे ढोल बजा हुआ है, पता नहीं कहाँ पे बजा हुआ है, हम ढूंढ रहे हैं। ये रहा कठपुतली
देखो दोस्तों अभी फिर से स्टार्ट होगा डांस। देखो दोस्तों भोजनशाला मतलब यहाँ पे खाना खाते रहे आप और कौन सा है? अच्छा दूसरा देखो पता है दोस्तों गोल गोल घूम रहे हैं अभी हम। देखो इन दोस्तों दीवे रखे रहा करते लाइट के लिए पता नहीं दोस्तों उस टाइम के राजा को ये महल याद भी कैसे जाता था कि यहाँ पे है इतना बड़ा महल है ये। देखो दोस्तों ये यहाँ के नहाने के लिए है और ये टॉयलेट वो है बाथरूम टॉयलेट दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि क्या है जयगढ़ सेलिब्रेटिंग 40 इयर्स। देखो दोस्तों एक बार रोक के पढ़ लो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों। देखो यहाँ पे नीचे जाने के लिए है प्रतिबंध है क्या ये? अच्छा यहाँ पे दोस्तों इसके टॉयलेट है। देखो दोस्तों ये टॉयलेट है वो टॉयलेट है जो नहाने के लिए थे और ये है टॉयलेट। तो देखो दोस्तों ऐसे हुआ करते देखो कैसे थे मैंने एक बात पहली बार ही देखे ऐसे टॉयलेट से। देखो देखो दोस्तों वो ऊपर जाने के लिए और वहीं पे ना पापा जावन तोप परली साइड में। अच्छा और परली साइड में जावन तोप है सबसे बड़ी तोप पूरे इंडिया की। और देखो पार्क बना रखे गैलरी गैलरी देखो गैलरी डिग गई। देखो दोस्तों देखो पर कितनी ऊंचाई पर है ना तो हम पहुंच ही गए कितने ऊपर भी कबूतर बैठे हुए हैं। देखो दोस्तों ओ वो भी है किला क्या वो भी किला है वो नीचे वाला ये है, वो महल है दोस्तों और ये जिसमें है ना वो है किला और वो है महल और वो सिद्धी वो ऊपर ही आ गए सिद्धी आड़ किले में आ गए। अच्छा देखो दोस्तों ये सिद्धी नहीं वो सिद्धी तो ऊपर लगता है तो ये महल है ना। हां महल में तेज सिद्धी के अंदर है। हाँ देखो दोस्तों महल में से ही आने लग रही सीढ़ी इतना लंबा चल के तो सांस फूल जाएंगी। और देखो पूरा जयपुर का वो नज़ारा देखना कितना मस्त लग रहा है ना कितनी ऊंचाई पर हम। देखो दोस्तों कितनी हम मस्त हवा चली हुई है यहाँ पे देखो किला ये सारी दीवार दोस्तों किले की है और वहाँ पे जाके एक पॉइंट भी है वो वैसे बैठने के लिए है आपा अच्छा वो वैसे बैठने के लिए। देखना दोस्तों कितनी सारी दीवार देखो नमस्ते ना यहाँ पे बिल्कुल भी ना वो भी निकला वो इंटरनेट तो मैं एक रील बना रहा था अपनी तो यहाँ पे नेट ही नहीं था बिल्कुल भी कॉल्स भी नहीं हो सकती यहाँ पे तो बिल्कुल ही काट आ रहा है नेट पे। देखो दोस्तों मैं तो पूरा दिन यहाँ पे बैठ के इसको देख के जा सकता हूँ कितना मस्त व्यू आ रहा है ना हर एक वीडियो बना लूंगा मैं फिर घर पे जाके यूट्यूब पे चला के अपना व्लॉग देखता रहूंगा बार बार। देखो पे ना पहरेदार रहने देते यहाँ पे हाँ गन रखते थे और अगर लड़ाई रहती ना तो यहाँ से डिस्काउंट कर देते थे। देखो इनमें से और सेफ्टी भी रहती थी कि दुश्मन की गोली ना रख सके यहाँ पे खिड़ा होके कर देते हैं डिस्टर्स। और यहाँ पे दोस्तों पालकी भी है और यहाँ पे खाना भी खाते थे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इनमें से देखो दोस्तों ये सभी रानी के टाइम के ये राजा रानी के टाइम थी। देखो सोफे थे ये रानी के रानी जो उस पर रथ पर बैठा करती ना तो रथ पर बैठ कर ये पालकी अलग अलग रखा कर देते जोन सी पालकी बिठानी कदे सीट बदलते रहे थे कदे या पालकी रख लेते कदे वहाँ पालकी। देखो उसके ऊपर
देखो वे वाली मम्मी कितने पुराने हैं ये, और अभी तक ऐसे गया से सारे पुराने राजा के टाइम नहीं आए कि भी कम से कम भी 300-400 साल पुराने होंगे। देखो ये भोजनालय है, ये देखो ना यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे और अभी तक बना रखा, और इसमें तो रख भी रखा है खाना, नकलिया पता है और देखो दोस्तों वो बीच में है ना जो वो वाला वो है राजा और ये सारे मंत्री। देखो ये राजा ये है, हाँ ये पंखा हवा करने के लिए, और देखो सब कुछ। देखो दोस्तों ये रसोई, देखो दोस्तों राजा की रसोई, यहाँ पे खाना बनता था, और देखो वो बनाने लग रहे मटर, वो बनाने लग रहे हाँ कितनी बड़ी बड़ी सारी तांबे के, देख ली। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, हाँ कम दिख रहा है शीशे में से, और ये दोस्तों वही बर्तन है जिसमें खाना बनता था राजा के लिए, इसी फिर तो मम्मी इसी बर्तन में राजा ने खाना खाया होगा है ना, इसमें खाना बनता था। और दोस्तों यहाँ पे बाजरे की रोटी, होट कैसे करो दोस्तों, ताला लगाने के लिए भी है, कितने बड़े बड़े थे देख, हाँ चूल्हे वो देख पानी पड़ा है चूल्हे, हाँ देखो दोस्तों चूल्हे कितने बड़े बड़े, और बाजरे का चून भेज दिया इन्होंने, चलो भाई रोटी बनाता दो, और चिमटा देखो कितना बड़ा बड़ा सामान है, और दोस्तों यहाँ पे चून का होता था पीसना, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा शीशे में, कैमरा तो साफ मम्मा, पर देखो यहाँ से, और यहाँ पे होता था पीछना, और यहाँ पे चून पीसा जाता था, देखो चक्की देखो दोस्तों कितनी मोटी है, देखो दोस्तों ये चक्की है, यहाँ पे देख देख सो यहाँ पे चक्की तो पहले पीसना वो करा करते पीसा करते वहाँ पीसना करा करते, और फिर वहाँ जाकर रोटी बना करती उसी चून की, हाँ वहाँ पे जाकर सब्जी बना करती परोसा जाता था, अलग अलग कितनी बढ़िया की किचन है ये, उस वाले में खाते थे राजा और यहाँ पे खाती है रानी, देखो ये रानियों के लिए है, और दोस्तों देखो मेन रानी ये है, देखो ये बीच में बड़ी रानी है होती थी छोटी जो, और कई रानी होती ना राजा की, वे बराबर में बैठ वो साइड में है, देखो आप ना इनको रोक रोक के पढ़ लेना, ये राजा के खाने के लिए और ये रानी और खाने के लिए ट्रे, और वो पान रखने के लिए पान, हाँ और वो पिछला धोने के लिए वॉश बेसिन, हाँ और वो हाथ तो धोवाया करते उसका, ये है ट्रे दोस्तों, और ये है पान रखने के लिए, ये जो दूसरा, और वो है हाथ धोने के लिए, और वो वॉश बेसिन, और जिसमें पानी रखा जाता था वो है वो वाला, हाँ और ये है राजा वाले बर्तन जो राजा के उसमें है, देखो डोंगे थे डोंगे चम्मच मम्मा, देखो चम्मच के डोंगे भी था डिजाइन बेटा कितना अच्छा था, हाँ कितना मस्त था, देखो दोस्तों वहाँ पे भी देखो ट्रे है और वो पान रखने के लिए, वो हाँ और ये चम्मच देखो दोस्तों कितनी मोटी मोटी है ना, हाथ में लेने के लिए देखो दोस्तों यहाँ पे पिक्चर भी लगी हुई है राजा के टाइम के खाना खाते हुए की, देखो और एक यहाँ पे है, अरे कैसे लो आप दिखाना उम्मा, देखो दोस्तों और उसमें भी देखो वो भी है, पिक्चर लगी हुई है खाता खाते, उस टाइम पे पिक्चर किसने खींची होगी मम्मी बेटा, पहले जब और सारी चीजें थी तो वो भी थी, कुछ ना कुछ तो था, कुछ तो था, अच्छा देखो इनके बड़े बड़े हैं, मेन पॉइंट थाली भी कितनी बड़ी थी, थाली कितनी बड़ी, कई खाने के लिए वे डिश रखे जाओ, इसमें खाना दे रखा है ना वही उस पिक्चर में है ना, बिल्कुल रियलिटी बनाने की कोशिश की कर रखी है, तो उस पिक्चर में खाना खा रहे हैं ना दोस्तों वही है, इसमें खाना रख रखा है, देखो
देखो दोस्तों ये फोटो आपको अच्छे से दिखा होगा तो इस साइड से देख लो दोस्तों। देखो देखो दोस्तों यहाँ हाथ का पंखा देखो वो कड़े है ना वहाँ पे हाथ का पंखा टंगता था और वहाँ पे राजा बैठते थे ऊपर और यहाँ पे रानी बैठती थी और सामने कठपुतलियों का डांस देखते थे। उस टाइम पे भी होती थी कठपुतली। हाँ, ये उसी टाइम की है। देखो दोस्तों ये मैप है पूरे इसका किले का। हाँ यहाँ पे थे। देखो यहाँ पे दे रखा पूरा पहले ये है फिर ये साड़ी पे। हाँ पूरा दे रखा है। मैं पहले इस पर थे फिर इस पर गए थे। देखो अब हम कहाँ पे है। अब हम यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे दोस्तों देखो दोस्तों ये है तोप का कारखाना और ये जयवान तोप है ना ये यहीं से बनी थी। देखो ये सारे तोप के ये हैंडल उसको वो करने के लिए और अंदर है उसका कारखाना। ये तो खाली है या यहीं पे है। यहीं पे भी कुछ है छोटी थोड़ी है ये तो बहुत बड़ी है। हाँ ये तो बजरंगवान है। देखो तो अंदर रखी हुई रहती थी। हाँ देखो दोस्तों या ना है। हाँ ये बजरंगमान है भाई। देखो दोस्तों ये तोप रखने के लिए और ये पूरी तोप भी है। एक गोले में से कुछ तो ऐसा कर देंगे तो ये है कारखाना सामने वाला। देखो ये और दिन की जगह पहले बनाया थी तोप की। अच्छा ये सारी डाई है इसकी नहीं तोप की। हाँ डाई अच्छा सब कुछ पहले का ऐसे का ऐसा है दोस्तों। देख लो रोक के पढ़ लो। देखो दोस्तों ये तोप है ये वाली डाई है ये। हेलो तो आपके अंदर मटेरियल डाल दिया है जो कि आठ धातुओं की बड़ा है। हां अष्ट धातु वो। हां तो बात डाल दो उसके अंदर से वो है। अच्छा देखो ये तो आपका कारखाना है दोस्तों। और हनुमान जी का देखो मंदिर रहा जय बजरंगबली। ये बीच वाली ड्रिल है दोस्तों और वो नीचे क्या है पापा खड्डा सा वो बेटा ये भट्टी हुआ है ना किसी ने तो भट्टी। अच्छा देखो दोस्तों यहाँ पर शीशा लगाना नहीं लगाना तो नीचे है। मैं सोचा कि यहाँ से सीधा धरती है पर ऊपर का ही है। देखो देखो दोस्तों यहाँ पे काला शीशा लगा हुआ है फिर हाँ दिखा दिखा दिखा। देखो दोस्तों ये इससे ड्रिल होती थी बैल बांधते थे इस पे आदमियों से होती थी यार बैल से। देखो दोस्तों नक्शे में दिखाई थी हमने। हाँ नक्शे में दिखी थी दोस्तों। देखो दोस्तों कितना ऊंचा कितना मोटा है काठ का लकड़ी का ऊपर लकड़ी का ये। हाँ दिखा दिया है ना। देखो दोस्तों है ना। देखो दोस्तों ये राजा का फोटो साफ नहीं दिख रहा। देखो राजा जी ऐसे थे। देखो दोस्तों जब ये दुआ था ना उस टाइम का फोटो ये सारा नक्शा है। देखो पूरा किले का नारगढ़ किले का देखो क्या पापा ऐसे भी राजा ही है। कौन सा नाम ये है महाराजा मान सिंह। और इसका नाम क्या है मामा। और उसे 3D पिक्चर है जिस जिस साइड से देखोगे ना अच्छा 3D बनाई है। देखो हमारी जहाँ पे हम देख रहे हैं ना वहीं पे देख घूम रहा है जूते से पगड़ी तक। और देखो दोस्तों ये पिक्चर कितने साफ है कितने क्लियर है। यहाँ पे हम गए थे उस टाइम की भी पिक्चर देख। देखो दोस्तों परेड हो रही है। देखो देखो दोस्तों उस टाइम की परेड घोड़ों की परेड हाथियों की परेड। देखो दोस्तों पहले ये फोटो है सारे। आया क्या। हाँ देखो यहाँ पे भी 1944 है शायद 44 49 है 44 है
देखो जब की है 1944 44 की। हाँ देखो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट देखो। महाराजा सगाई मोहन सिंह की इंदिरा गांधी की ये इंदिरा गांधी है। हाँ ये जो अच्छा ये अरे इंदिरा गांधी के साथ है। और ये सरोजनी नायडू ये मेडल दोस्तों देखो कौन से मेडल है पापा जी ये लिख रही है। देखो दोस्तों ब्रिटिश आर्मी ये पढ़ लो। देखो दोस्तों मेडल आया मेडल्स दिखा दूं ये उसी टाइम के है पापा। देखो उसी टाइम के दोस्तों ये पोशाक। हाँ देखो वो पहने हुए हैं। हाँ दिखा दिया मम्मा इसकी यार देखो कितनी जनता बैठ के इसके लिए आ रहे हो कितने लोग दोस्तों। देखो देखो वापे हो रुचि कितनी अच्छी अच्छी फोटो खिंची हुई है देखना दोस्तों बिल्कुल क्लियर फोटो। और ये प्लेन की ये ऊंट की दोस्तों देखो देखो दोस्तों पता नहीं पढ़ लो। मान सिंह का बच्चे का फोटो मान सिंह का बचपन का इतनी पहले भी होते थे कैमरे ये पता नहीं नई दिल्ली में है पिक्चर। और देख लो देखो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के साथ बाल कृष्ण बस और नहीं पता हमें ज्यादा कुछ भी नहीं पता दोस्तों। हम जो भी बता रहे हैं ना आपको पढ़ पढ़ के बता रहे हैं और कुछ गलती हो जाएगी ना तो राष्ट्रपति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं ये सारी है ना। और दोस्तों देखो ये भी 3D पेंटिंग है कितनी बड़ी देखो जहाँ पर भी जाए ना हमारी तरफ देख रहा है। और ये कलरफुल पिक्चर दोस्तों देखो। और दोस्तों देखो ये पारा पारा होम बॉय पारा के देखो दोस्तों ये सारे बेंच। और ये देखो ये सारी उस टाइम की पोशाक है देखो दोस्तों देखो दोस्तों। और दोस्तों देखो ये पुराने किले का फोटो पूरे का फोटो ऐसा था पहला ये मिट्टी। देखो दोस्तों वहाँ पे वो छप्पर है ना उसके नीचे है हमारी तोप मतलब हमारी नहीं जयवान तोप। यहाँ पे दोस्तों पहले तालाब होता था अभी सूख गया पत्थर लेकिन काम पानी का काम हो जाता है ना धोने धाने का यहाँ ही होता है मतलब नीचे कुछ कप। हाँ देखो और ही काई पानी कुछ रह रहा कुछ तो पानी है दोस्तों। वो जयवान तो अब क्या से चली थी वो ऊपर से चली थी दोस्तों। और जब यहाँ से वो था तालाब और जब वो चली थी ना दो आदमी थे दोस्तों एक आदमी तो ना पानी में कूद गया था वो जिंदा बच गया था नहीं एक आदमी बच्चा था मम्मी। और हाँ और जो एक ऊपर था ना दोस्तों तालाब के पास उसके ना इतनी तेज धम बोली थी और इतनी तेज चली थी उसकी छाती ना बिल्कुल फट गई थी और वो दो आदमी ना वहीं पे मर गया था। एक ही बार चली आज तक ये जयवान तो पे और जिसने चलाई है ना दो लोगों ने चलाई थी एक तो गया था कूद पानी में और एक वहीं पे खड़ा हो गया था उसके पास ही और वो मर गया था। और उसका ना जो तोप का गोला था वो 30 किलोमीटर दूर जाके गिरा था और जहाँ पे वो गिरा था ना वहाँ पे तालाब बना हुआ दोस्तों अभी भी
देख लो कितना वो है बड़ा, कितनी खतरनाक तोप थी वो। देखो दोस्तों ये है वो तोप, जयवान तोप। देखो दोस्तों कितनी बढ़िया ये, इसके टायर देखो कितने बढ़िया। मैं एक बार पहले भी आया था यहाँ पे ही, पर जब छोटा था जब आया था वहाँ पे। देखो दोस्तों देखो आगे खाते बैठा रखा, देखो तो आपके ऊपर ही। देखो ना दोस्तों एक ही बार चली आज तक, और जहाँ पर भी चली थी ना वहाँ पे वो हो गया था, एक तालाब बन गया था। देखो कितनी बढ़िया ना ये, और इसको यहाँ तक लाने के लिए दोस्तों कई कई सौ हाथी लगे थे ऊपर चढ़ाने के लिए, और ऊपर आते आते मेरी भी सांस फूल गई थोड़ी। और देखना दोस्तों ऊपर ये कितनी बढ़िया है, कई हजार किलो की होगी कम से कम। देखो दोस्तों पीछे से भी ऊपर कुछ है शायद, आगे तो हाथी था और पीछे ये पता नहीं क्या बना, वो हाथी है और कुछ है। देखो पूरी चारों तरफ से जिसने भी चलाई थी ना वो आदमी मर गया था। देख लो अभी कितनी वो है, कितनी ज्यादा साउंड है इसकी दोस्तों। देखो जयवान तो, और देखो दोस्तों मुझे ये चलानी है दोस्तों। ये राजस्थान दोस्तों, देखो ये है इसका, इसके बारे में पूरी जानकारी। और इसका वजन देखो 50 टन है दोस्तों, 1 टन में 1000 किलो होते हैं। और देख लो अभी इसकी लंबाई 20 फीट और गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है। तो एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है, तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई। दोस्तों मतलब एक बार चलने के बाद ये 22 किलोमीटर तक इसकी गोला जा सकता है। इसी मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी, बुयल और बीच में बलहारी है जो, हाँ दोस्तों मैं आपको बता रहा था ना इसके आगे हाथी और पीछे पक्षी थी जो मैं आपको कह रहा था, और बीच में बलहारी के होता, मुझे पता नहीं क्या होता, जो कि आमेर के कारीगरों की कला, प्रेम और कार्य कुशलता का अनूठा नमूना है। देखो दोस्तों ये पूरे पढ़ लो एक बार आप, देखो कितना मस्त है तोप, पूरे भारत की सबसे लंबी बड़ी तोप है ये, 22 मील तक ये गोला फेंक सकती है, 22 मील दूर तक। देख लो दोस्तों पेंट करते हैं आज तो बहुत ज्यादा थक गया दोस्तों, ऊपर आते आते आपको थोड़ा व्लॉग दिखाते। तो आज के व्लॉग में यही पेंट करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Give it to me like